कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने मीटिंग की, लेकिन इसके बाद उन्होंने पेट्रोल पर वेट कम करने के लिए राज्य सरकारों से अपील की। इसके बाद अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आड़ में जो प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की वो उन्हें शोभा नहीं देती, उस पद को भी शोभा नहीं। उन्होंने अपील की राज्यों से कि वो वैट कम कर दें ताकि उपभोक्ता को राहत मिले डीजल और पेट्रोल के दामों से। अगर आप आंकड़े देखें तो पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद के जरिए पेट्रोल और डीजल पर 26 लाख करोड़ कमाए, वो राहत उपभोक्ता को उन्होंने नहीं दी। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्सेस लगते हैं 68% टैक्सेस वो केंद्र के हिस्से में जाते हैं, 32% राज्यों के हिस्से में जाते हैं। यह भी सामने अगर आंकड़े रखेंगे तो प्रधानमंत्री को पहले हिसाब देना चाहिए उस 26 लाख करोड़ का, और फिर केंद्रीय उत्पाद दरों में भारी वृद्धि करनी चाहिए। जो यूपीए के वक्त से लेकर अब तक अनेकों बार उन्होंने वो वृद्धि की है सेंट्रल एक्साइज में, उसी को अगर रोल बैक कर दें तो पेट्रोल और डीजल बहुत सस्ता उपभोक्ताओं को मिलना।